वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सिंह स्ट्रीट वर्कआउट गाइस। बहुत ही भयानक तूफान आ रहा है, आप देख सकते हो। इधर भी तूफान आ रहा है, तूफान सब जगह आता है। ये रॉकी भाई वाला केजीएफ वाला तूफान नहीं है, ये कुदरत का तूफान है। लेकिन कोई तूफान आंधी हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि हम हैं स्पार्टन्स और हम कर रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन वर्कआउट। वर्कआउट के बारे में अक्षय जी बताएंगे। अक्षय जी, वर्कआउट बहुत ही अमेजिंग हो रहा है गाइस। एज यू कैन सी वेदर कैसा, पूरा ट्राई कर रहा है कि हम घर के अंदर बैठे, बट इन जैसे लोगों को तूफान भी नहीं समझा पाए। बस गाइस, वर्कआउट हैज टू बी गोइंग ऑन। वर्कआउट गाइस, आज है मसल अप्स, वेटेड पुल अप्स, बहुत सारे वेटेड पुल अप्स, मसल अप्स। तो आप देखते रहिए, एंजॉय करें वर्कआउट और स्टे ट्यून, एंजॉय करें तूफान को। नारी नारी मारी तानिया, हाय हाय बे जदो खबराती अंदा तेरा ना, हो जाओ भैया हो जाओ। ये लेट्स गो और नीचे आ। नहीं ले पा रहा है कैमरा। अच्छा लगे जीवन में आपसे मिल गया। भरपूर तूफान में गाइस, वल्लाह हबीबी तूफान आती, तूफान आती बट हार नहीं मानती। बिल्कुल हबीबी, ये सब्सक्राइब लाइक शेयर लाल बिदूरी फिटनेस। सो गाइस गुड, जो अगली एक्सरसाइज हम कर रहे हैं आप देख रहे हैं, मिस्टर अक्षय करने वाले हैं सील रोज। बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज, नेक स्ट्रेट रखें और आपकी बैक की थिकनेस के लिए बहुत अच्छी है। एकदम अपर बॉडी लॉक्ड हो जाती है और प्योर लैट्स की पावर से आप सारे रेप मारेंगे। नीचे देखो, नीचे देख के आप पुल एक्सप्लोसिव, आपको एक सेट दिखाएंगे इसके। पुलअप्स के बाद बहुत ही हार्ड हो जाती है एक्सरसाइज, स्ट्रेट इफेक्ट आर्म्स और बैक पे, जिस पे हम एब्सोल्युटली वर्क करना चाह रहे हैं। एक बहुत ही
बेहतरीन एक्सरसाइज है ये, इसको कहते हैं सील रोज। अपने वर्कआउट्स में ज़रूर ऐड करें, यदि आप कैलिस्थेनिक्स एथलीट हैं तब भी इसको अपने वर्कआउट्स में ज़रूर ऐड करें। थैंक यू। चल पावरफुल पुल चाहिए, स्लो गुड, 2, 3, 4, 5, 6। गाइस आप देख सकते हैं बैक प्रॉपर वर्क हो रही है, आइसोलेटेड में एकदम, लैट्स की प्योर पावर, बहुत सही। लास्ट के रैप पे छोटा सा पॉज, ये बहुत इंप्रूव करेगा आपकी बैक की मसल्स को। लेट्स गो। सो गाइस आफ्टर बैक वर्कआउट ट्रेडिशनली हम कर रहे हैं बाइसेप्स, आप देख सकते हैं अक्षय भाई कैसे पूरे आर्म्स को स्क्वीज़ कर रहे हैं 40 kg बार बकल से, बहुत ही अच्छी फॉर्म, बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉर्म से वो मार रहे हैं, आर्म्स पे पूरा आ रहा है, आप देख सकते हैं कोई चीट कर्ल्स नहीं है। ठीक है, चीट कर्ल्स के हम अगेंस्ट नहीं, हम चीट कर्ल्स भी अलाउ करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप 6 से 7 रेप स्ट्रिक मार लें और स्ट्रिक नहीं लग रहे तो आप हल्का सा जर्क लेके 4-5 रेप और मार सकते हैं, क्लोज टू फेलियर सेट ले सकते हैं। तो वर्कआउट के एंड की सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज, इसके बाद एक एक्सरसाइज और है वो हम आपको दिखाएंगे, स्टे ट्यून्ड। क्रेजी। सो गाइज आज के इस वर्कआउट को एंड करते हुए मैं आपको आज की लास्ट एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग उसे बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। इस एक्सरसाइज को आप रेगुलरली करें और हाई वॉल्यूम में करें, ज़्यादा वेट की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज कि आपको अच्छा रेंज ऑफ मोशन मिले, और अगर आपको ये ज़्यादा इजी लगती है तो इसका ऑपोजिट आप ऐसे लीन होके डंबल को डेड से उठा सकते हैं, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन शोल्डर के साइड हेड्स को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ फुल रेंज ऑफ मोशन वाले भी कर सकते हैं आप, और फ्रंट टू बैक टाइप। सेम दूसरे हाथ से, एंड इसके 4 से 5 सेट। दिस वॉज इट इन दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। साइनिंग आउट, सिंक स्ट्रीट वर्कआउट, टेक केयर।